जो है जी राजा त्रिमंत्र बुलाए हैं, केशव जज जी आ गए हैं, आप त्रिमंत्र बुलाए। ओके ओके केशव दादा, शास्त्री मंत्र ईश्वर जी अनम्यूट करें। केशव दादा ने त्रिमंत्र या बोलिए। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, नमो वितरागाय, नमो नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्जायाणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। नमो ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव्व पाव पणासनो सर्वपावनाशनो मंगलानं च सव्वे सिम मंगलानं च सव्वे सिम परमं हवै मंगलम्। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। तक शिवा हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी, मैं हमेशा बुरे शब्द से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग जीव मात्र के परोपकार यानी कि सेवा करने में ही उपयोग हो, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसर मॉरल और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान की तरह उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊँ। ही दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में आप मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। माता पिता का क्या हुआ, कैसे है आज? आज अच्छा रहा है। ओके वेरी गुड। तीर्थ। ओके हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतर आते हैं और प्रश्न आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप मुझ पर ऐसे कृपा करें जिससे मैं अपने दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी आप परम शक्ति हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नवनीत दीदी, हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी हैं कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। ओके वेरी गुड। तो आप देखो, अभी सबका एग्जाम आ रहा है। ओके तो इसलिए आज के टीचर के बारे में कुछ दादा भगवान का संदेश लेने का है। दीपक दादा, आर वी रेडी? या नो प्रॉब्लम, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट। ओके तो दादा भगवान का पहले हम मैसेज सुनेंगे, आप क्या सुना हो बताना, और बाद में केशव दादा मोर बोलेंगे आज टीचर्स पे, क्योंकि एग्जाम चल रही है।
तो बाद में केशव दादा, बाद में सबकी अब प्रतिक्रम कराना है सबको, क्या टीचर के बारे में? हाँ मोमेंट रेडी यस चैप्टर 40 जीवन में सफल होने के लिए। पिताजी आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैंने आज होमवर्क नहीं किया है और फिर मेरे गणित के शिक्षक बहुत स्ट्रिक्ट है, सख्त है, वे मुझे सजा देंगे, पनिशमेंट देंगे। हम सभी ने उनका नाम बुलेट रखा है, बस कोई विद्यार्थी हाथ में आया नहीं कि हो गए शुरू बुलेट की तरह शब्दों की गोलियां बरसाने, रमेश ने शिकायत करते हुए कहा। रमेश की तबीयत ठीक नहीं होने से उसने होमवर्क नहीं किया, ऐसी चिट्ठी लिखकर दे दीजिए, मां ने सलाह दी। यह सुनकर रमेश के पिताजी आग बबूला हो उठे। एक तो बच्चे ने होमवर्क न करके गलती की है, फिर ऊपर से उस गलती पर पर्दा डालने के लिए हम झूठी चिट्ठी लिखे, असत्य के पाठ पढ़ाए, ज्यादा से ज्यादा शिक्षक सजा देंगे, कोई जान से मार तो नहीं देंगे ना, और फिर सजा भी रमेश की भलाई के लिए ही देते हैं ना। देख बेटा रमेश, तू झूठी चिट्ठी लिखवाकर सिर्फ शिक्षक की आंखों में ही धूल नहीं झोंक रहा बल्कि अपने आप को भी धोखा दे रहा है। जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त करनी है उन्हीं से झूठ कैसे बोला जा सकता है? वे सजा देकर तुम्हें अभ्यास में नियमित बनाना चाहते हैं। समय पर स्कूल जाना, नियमित होमवर्क करना, ये सब चीजें इम्तिहान के लिए तो उपयोगी है ही, इतना ही नहीं ये नियमितता, रेगुलरिटी के संस्कार मिलने से जीवन भी सफल बनता है। ये नियमितता के संस्कार सिर्फ शिक्षक ही दे सकते हैं। मान लो हमें अच्छी नौकरी मिली हो मगर हम नौकरी पर नियमित न जाए, देरी से जाए तो क्या होगा? नौकरी से निकाल दिए जाएंगे ना। और यदि शिक्षक का कहना मानकर हम नियमितता के पाठ जीवन में उतार ले तो हम नौकरी पर भी हमेशा वक्त पर जाएंगे, अतः हमारी तनख्वाह भी बढ़ सकती है और प्रमोशन भी मिल सकता है। हमारे हाथ में हवाई जहाज का टिकट हो, किसी जरूरी काम से, इम्पोर्टेंट काम से मुंबई जाना हो पर एक मिनट लेट हुए, समय चूक गए तो जहाज रवाना हो जाएगा या हमारा इंतजार करेगा? किसी व्यापारी को नवरात्रि में भेंट देने के लिए, लहानी के लिए बर्तनों का बड़ा ऑर्डर मिला हो मगर वह समय पर माल न दे सके तो क्या होगा? उसका माल वापिस आ जाएगा। त्योहार बीत जाने के बाद माल दे वह किस काम का? अब वह सामान भी घर पर पड़ा रहेगा, अतः मुनाफा तो गया, ऊपर से नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। इस तरह नियमितता के पाठ जीवन में भी बहुत उपयोगी है। शिक्षक हमारी भलाई के लिए, हम अच्छी आदतें सीखे इसीलिए ही सख्ती से काम लेते हैं, अतः हमें हमेशा ही उनका विनय करना चाहिए। शिक्षक तो हमारे जीवन के घड़वैये है, गुरु है। शिल्पकार जिस तरह पत्थर में से मूर्ति को गढ़ता है उसी प्रकार शिक्षक हमारे जीवन को गढ़ते हैं। हमारा भविष्य सफल हो उसका वे बहुत ध्यान रखते हैं और सही मार्गदर्शन देते हैं, इसलिए उनके साथ व्यवहार में झूठ का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए।
उनका मजाक उड़ाने से, चीड़ निकालने से नुकसान तो हमें ही होता है। अगर शिक्षक हमारी दादागिरी से डरकर शायद हमें पढ़ाई के लिए या होमवर्क के लिए आग्रह नहीं करेंगे या सही मार्गदर्शन नहीं देंगे, तो हम शिक्षा प्राप्ति से, एजुकेशन से वंचित रह जाएंगे और आगे जाकर सारी जिंदगी हमें ही भुगतना पड़ेगा। पढ़े लिखे नहीं होंगे, अच्छे संस्कार नहीं मिले होंगे, तो फिर अच्छी नौकरी भी नहीं मिलेगी और अंत में चाय के ठेले पर काम करने की नौबत आएगी। यह सब सुनकर रमेश को अपने पिताजी के प्रति बहुत ही आदर भाव जागे और उसने यह निश्चय किया, पिताजी आज से मैं नियमित होमवर्क करूंगा, शिक्षक की चीड़, शिक्षक का मजाक नहीं निकालूंगा, उनका सदैव आदर करूंगा, विनय करूंगा, अच्छी मेहनत करके बोर्ड की परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होकर स्कूल व शिक्षकों का गौरव बढ़ाऊंगा। अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे शिक्षकों को दुख हो, उनकी शान में कोई दाग लगे या गौरव को हानि पहुंचे। जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त करनी है, उन्हीं से झूठ कैसे बोला जा सकता है? समय पर स्कूल जाना,
नियमित होमवर्क करना, ये सब चीजें इम्तिहान के लिए तो उपयोगी है ही। इतना ही नहीं, ये नियमितता रेगुलरिटी के संस्कार मिलने से जीवन भी सफल बनता है। ये नियमितता के संस्कार सिर्फ शिक्षक ही दे सकते हैं। नियमितता के पाठ जीवन में भी बहुत उपयोगी है। शिक्षक हमारी भलाई के लिए हम अच्छी आदतें सीखे इसीलिए ही सख्ती से काम लेते हैं। अतः हमें हमेशा ही उनका विनय करना चाहिए। शिक्षक तो हमारे जीवन के घड़वैये हैं, गुरु है। शिल्पकार जिस तरह पत्थर में से मूर्ति को गढ़ता है, उसी प्रकार शिक्षक हमारे जीवन को गढ़ते हैं। ओके, अभी एक एक पॉइंट जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, आपको क्या सुना? दीदी बोलो। हाँ जय सच्चिदानंद, ये वीडियो में ऐसा था कि जिनसे हमें शिक्षा मिलती है उसके साथ हम कैसे झूठ बोल सकते हैं। बस बस एक ही बोलने को, और ये वीडियो नहीं बोलो, दादा ने बोला ये सब। हाँ सॉरी। तो कैसे कैसे बात करते हैं खुशी दीदी? हाँ जय सच्चिदानंद, हमें हमारा शिक्षक गड़वैया है। दादा ने बोला कि हमारा शिक्षक गड़वा, ऐसे बोलो चिनाए। दादा ने ये बोला है कि रेगुलरिटी हमें सिर्फ टीचर ही दे सकते हैं। ओके खुशी दीदी। हाँ दादा ने ये बोला है कि धोखा नहीं देने का टीचर को, जो हमें टीचिंग करते हैं उन्हें हम धोखा नहीं दे सकते। करिश्मा दीदी। हाँ जैसे दादा ने ये बोला था कि नवनीति दीदी। जय सच्चिदानंद, दादा ने बोला कि टीचर हमारे साथ सख्ती इसलिए करते हैं ताकि हमारा जीवन नियमित रूप से बने, हमारी रेगुलरिटी बने। हाँ दादा ने यही कहा है कि टीचर जो हमें हमारे अच्छे के लिए पढ़ाती है, और अगर हम उनमें ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हमें अच्छी नौकरी भी नहीं मिलेगी। प्रहार प्रहर भैया। हाँ दादा ने ये बोला है कि हमें हर काम में रेगुलरिटी रखनी चाहिए। आरुष भाई। हाँ जय सच्चिदानंद, दादा ने ये बोला कि जो हमारे टीचर हम पे गुस्सा होते हैं वो हमारे अच्छे के लिए होते हैं। तीर्थ भाई। हाँ जय सच्चिदानंद, दादा ने ऐसा कहा कि हमें टीचर के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसको उनको धोखा नहीं देना चाहिए, और उनके साथ हमें अच्छा भी। अव्य भाई। हाँ जय सच्चिदानंद, दादा ने ये बोला है क्या शिक्षक भलाई के लिए ही डांटते हैं, अगर शिक्षक नहीं डांटेंगे तो हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देव भाई। हाँ जय सच्चिदानंद, दादा ने ये कहा है कि हमें टीचर के प्रति अभाव नहीं करना चाहिए और उनके ऐसे वैसे नाम नहीं रखने चाहिए। okay. हाँ जय सच्चिदानंद, हमें होमवर्क दादा ने ये कहा है, हमें होमवर्क रेगुलर करना चाहिए। ओके वेरी गुड। तो दीपक दादा आपको बोलने का है, बाद में केशव दादा आप बोलो, और बाद में हमने और बच्चे लोगों ने तो टीचर का बहुत बुरा किया, ये प्रतिक्रम करेंगे साथ में। ओके दीपक दादा। यही सच्चिदानंद, सबसे बड़ी बात यह है जो दादा ने विज्ञान खुला किया है कि हम जो तय करते हैं निश्चय करते हैं वह होता है। तो आज जो भी हमारी अनियमितता है, हमारी जो भी कुछ भी गड़बड़ी है, उसके संबंध में हमारा उल्टा निश्चय पहले हुआ है, ये समझ में आता है सबको? तो वो निश्चय को करेक्ट करना है, और वो निश्चय करेक्ट कर लेंगे तो हमारा व्यवहार अपने आप करेक्ट हो जाएगा। यानी कि हमारा व्यवहार यानी बिहेवियर चेंज नहीं करना है, डिसीजन चेंज करेंगे, निश्चय करेंगे तो अपना बिहेवियर अपने आप चेंज हो जाएगा।
तो ये निश्चय बहुत बड़ी चीज है। ज्ञान से हमें समर्पण विधि से हमारा जो मूल निश्चय वो प्राप्त होता है। अभी व्यवहार को ठीक करने के लिए व्यवहार के पक्ष का, व्यवहार के साइड का निश्चय चाहिए, वो ये सब स्वाध्याय सत्संग से हमें मिलता जाता है। और हम अपने आप को इस तरह से निश्चय करते 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 हमारा व्यवहार को ठीक कर लेना है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। और सुना क्या बोला दीपक दादा ने? हाँ। तो 10 मिनट में नहीं मिलती है दिन में। ओके केशव दादा आप बोलिए, बाद में प्रतिक्रम कराएंगे। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है कि आज मेरे को एक एविडेंस याद आया, मैं आप सबसे शेयर करता हूँ कि जो निश्चय की बात है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है। अभी हम सब 58 से लेके 60-65 तक की एज के हो गए थे, तो हमारे टीचर 80 ईयर्स के हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया, हम सब स्टूडेंट्स को जो छोटे थे उनके नीचे पढ़ते थे, तो एक बार गैदरिंग करवाई अभी थोड़ा दिन पहले, तो सबको बुलाया और उनको बुलाया तो उनको इतनी खुशी हुई कि सब लोग कुछ 50 साल, कोई 60 साल, कोई 65 साल के हो गए थे। तो टीचर ने क्यों बुलाया था कि उनको उनको हम सब स्टूडेंट्स पे बहुत फख्र था और वो हम टीचर्स के कहने के मुताबिक चलते थे। तो वो देखना चाहते थे कि वो सब स्टूडेंट्स जो इतने साल पहले मेरे पास काम पढ़ते थे वो आज कहाँ पर पहुंचे हैं। तो हम सब स्कूल में गए, तो स्कूल में जब गए तो हम तो जब छोटे थे और अभी इतने बड़े हो गए, तो टीचर तो कितने जनों को पहचान नहीं पा रहा था, कितनों का चेहरा बहुत ही शार्प था तो उनको ऑन द स्पॉट पहचान लिया कि तू केशव है, तू ऐसा है। तो इसका गैदरिंग का रीजन क्या था, क्योंकि वो जब हम उधर जाते थे तो टीचर हमसे बार बार पूछते थे कि भाई तू क्या बनना चाहता है। तो मैं बोला मैं तो बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, फिर किसी ने बोला कि मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ, किसी ने बोला कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। यू विल नॉट बिलीव, जो जो टीचर्स ने बचपन में उनके साथ जो बात करते थे टीचर्स, तो उनके साथ जो भी डिस्कशन करते थे, तो उस समय हमारा निश्चय पक्का था, मेरा निश्चय पक्का था कि मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है। तो जब मैंने बताया कि आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बिलियन फ्लेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो टीचर हैरान हो गया कि तू वही केशव है जो दिन रात बोलता था मैं बिजनेसमैन बनूंगा। तो वो निश्चय की बात थी, तो टीचर वॉज सरप्राइज, इतना एक्साइटेड हुआ कि जो जो बच्चे लोग टीचर को बोलते थे कि मुझे कलेक्टर बनना है वो कलेक्टर बन गया, किसी ने बोला कि मुझे इंजीनियर बनने का वो इंजीनियर बन गया। इतने सालों के बाद मिले तो टीचर को सब याद था। तो उस समय हम टीचर्स को इतना मान देते थे, सम्मान देते थे और उनके कहने के मुताबिक चलते थे और हमको वो डायरेक्शन देते थे कि तुझे ये पढ़ना है तो उसके लिए तेरे को ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे रहेगा, तुम मेरे पास पढ़ने को आना, मैं आपको पूरे अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। तो इस तरह से हमने टीचर का बहुत मान रखा। पर एक चीज जो दीपक आनंद जी ने बताया ना कि निश्चय, अगर जो निश्चय है आपको बनना है, तो दादाजी ने भी बोला है कि अगर आपका निश्चय पक्का है तो नेचर विल हेल्प यू, ये नियम है कुदरत का। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कुछ भी बोलोगे मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे ये बनना है, बन जाओगे। निश्चय चाहिए पक्का, और अगर एक बार पक्का निश्चय मिल गया उसके बाद तो सब संजोग, सब सर्कमस्टेंसेस आपके फेवरेबल हो जाएंगे और आप वो बन के ही रहेंगे। ये मेरा कुछ ही दिनों पहले का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वो निश्चय क्या काम करता है। तो हमारे क्लास में टोटल अबाउट 40 स्टूडेंट्स थे और 40 स्टूडेंट्स जब टीचर के सामने खड़े हो गए तो टीचर ने सबको गले से लगाया और बोला कि एक एक बच्चा उस जमाने में जो बोलता था, जो निश्चय किया, वो सबने प्राप्त किया। तो सबको बहुत अवार्ड भी दिया टीचर ने, एक अच्छा सा गुलाब बना के दिया और कुछ अपनी तरफ से एक भेंट भी दी सबको। तो ये निश्चय की मैं बात बताता हूँ। आफ्टर 65 ईयर्स टीचर हैरान हो गया कि भाई मैंने उस जमाने में जो जो स्टूडेंट्स बोलता था मैं ये बनूंगा, वो बन के दिखाया। तो ये निश्चय का बहुत बड़ा बल है, एक बार आपने निश्चय किया तो आप प्राप्त करोगे। और दादा की साइंस फिर उधर आपको हेल्प करेगी। उस जमाने में तो हमको ज्ञान नहीं था, कुछ समझ नहीं थी, पर इस अभी तो आपको इतना अच्छा ज्ञान है कि एक बार आपने निश्चय किया तो हमको ये नहीं पता था, दादा ने बताया कि देन नेचर विल हेल्प यू। वो अभी हम आपको बताते कि दादा ऐसा बोलते थे,
कि आपने निश्चय किया तो उसके बाद नेचर आपको हेल्प करेगा एंड यू विल रीच टू योर डेस्टिनेशन विदाउट फेल। केशव दादा। हाँ जी। आओ दीपक दादा, वो हमारा एक दूसरा इंसिडेंट याद आ रहा है। और नील, अपना नील है ना, नील शाह दीपक दादा। हाँ। नील शाह, नील शाह है ना आपका ना, नील मेहता है ना, मेहता। हाँ या या। नील तो ओ उसको एग्जाम फर्दर स्टडी के लिए यूएस आया था, तो हमारे घर आया था। उसने बात बताया हमको कि वो जब छोटा था, 8 साल का, 8 years old, ओके बच्चे लो, तो वो दादा के पास गया था। वो दादा को बोला क्या कर, तेरे को क्या होने का है? बोला, उसको बोला कि मेरे को दादा IIT में जाने का, ओके। 8 साल का बच्चे, तो क्या हुआ दीपक दादा, क्या हुआ था? IIT बनके और flying colors, और इतना अच्छा brilliant student है, कभी वो Procter & Gamble में तो बहुत बड़ा officer बन गया। इसलिए बच्चे लोग ये हफ्ते पुत्र जो बोलता है ना, थोड़ा मगज में रखने का। श्रेया, आपको तो मगज में नहीं घुसता है, तो आप एक दिन खाना मत खाओ तो सब घुसेगा। ओके, तो अभी दो क्वेश्चन है कि उसके बाद पहले दीपक दादा, केशव दादा, ये बच्चों लोगों ने, हमने भी हमारा तो अभी क्वेश्चन है ही नहीं, लेकिन टीचर के लिए बहुत खराब बुरा बोला होगा, मुश्किल की होगी, नाम दिया होगा। और अभी विधि दीदी, अनन्य दीदी का तो बड़ा एग्जाम आ रही है, और नडियाद वाला का, सबका, तो एक प्रतिक्रम करवाओ सबको टीचर का, बाद में क्वेश्चन लेगा। केशव दादा, सब बच्चे लोग ध्यान से प्रतिक्रम करो, आंख बंद करके, अब बोलना भी साथ में, हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे सर्वे शासन देवी देवताओं, आप सबके साक्षी में, हम सबके मन वचन काया से, जाने अनजाने में, हमारे टीचर्स की तरफ से, किसी भी दिन उनके लिए अभाव तिरस्कार किया हो, हमारे मन में उनके लिए कुछ बुराई सोची हो, उनको जाने अनजाने में चिढ़ाया हो, उनका हमने जाने अनजाने में अविनय किया हो, उन्होंने जो हमको इंस्ट्रक्शन दिए हो उनको फॉलो नहीं किया हो, उनके जाने अनजाने में हमने बुराई क्या बुराइयां की हो, ऐसे सभी प्रकार के दोषों के लिए, प्रत्यक्ष दादा भगवान के साक्षी में, हम सब प्रतिक्रमण करते हैं, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करते हैं, हे टीचर्स के अंदर बैठे हुए भगवंतों, हम सबको क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, फिर कभी भी ऐसे दोष,
ऐसे दोष कभी ना हो, ऐसी आप हमको शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो, जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया केशव दादा, आपने प्रतिक्रम सबको किया, बहुत किया। अभी जो क्वेश्चन लेगा बाद में पढ़ लेगा। इताक्षी बा, हाँ जी सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन नहीं था, मुझे आशीर्वाद देना था क्योंकि मेरा परसों मैं मेरी स्कूल तरफ से चेस खेलने में सिलेक्ट हुई हूँ दूसरी स्कूल के साथ में। तो आप सभी आप्तपुत्र महात्मा आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छी तरह से चेस खेल पाऊँ और फर्स्ट नंबर आऊ। मैं कौन सी गेम है? चेस। चेस 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 ओके 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 All the best. All the best. जय सच्चिदानंद, गुड लक। ओके, एंजाइटी एक्साइट नहीं हो जाना, बड़ी शांति से बिल्कुल धीरज से खेलना। ओके विजय दीदी, किसके किसके लिए जीतेंगे, खुद के लिए, डैडी मम्मी के लिए कि दादा के लिए? इतना टाइम लगता है डैडी मम्मी और दादा के लिए, अपने लिए नहीं? हाँ, स्कूल के लिए भी। अरे वो तो सुबह आ ही गया, मेन क्या है? डैडी मम्मी और दादा के लिए। बिगर बिगर गोल हो गया तो नीचे सबको आ ही जाएगा ना, आपको मिल जाएगा, स्कूल को भी मिल जाएगा। राइट, वेरी गुड। दीदी मेरा क्वेश्चन है। ओके खुशी दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद, मैं कल सुबह मैं खेलने गई थी तो मेरी फ्रेंड मेरे से कठोर भाषा बोली तो मुझे अंदर से ऐसा हुआ कि मैं भी उसको कुछ सुना दूँ, मैं भी उसको कुछ सुना दूँ, और अंदर से बहुत बुरा लग रहा था, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? उनसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि आपने उनके अंदर शुद्धात्मा भगवान नहीं देखा। सबसे पहला में पहला क्वेश्चन क्या होता है कि किसी के लिए भी चिढ़ हो या किसी के लिए अभाव हो या किसी के लिए गुस्सा हो, तो उस समय सबसे पहली भूल तो हम वो करते कि उनके अंदर शुद्धात्मा भगवान को नहीं देखते। जैसे ही आप शुद्धात्मा भगवान देखेंगे तो सब शांत हो जाएगा, न किसी के ऊपर चिढ़ होगी, क्योंकि वही शुद्धात्मा भगवान दादा भगवान आपके अंदर बैठे है, वही उनके फ्रेंड के अंदर बैठे हुए हैं, तो हम किस तरह से उनके दोष देख सकते हैं? ख्याल आया? हाँ। तो सबसे पहले समझने का कि आज ऐसा संजोग मेरे लिए आया है, मेरे लिए तो आज बहुत अच्छा दिन है कि मुझे आज ज्ञान में रहने को मिलेगा, उसको निर्दोष देखने को मिलेगा जो दादा की दृष्टि थी। और दादा का पहला में पहला था कि आपके व्यवहार से न पूरे घर में माँ बाप भाई बहन किसी को भी दुख ना हो, वो हमारा मेन ध्येय होना चाहिए। सबसे पहले दादा क्यों बोलते थे, सुबह को उठते ही पहले तो ये आप दादा से शक्ति मांगो कि हे दादा भगवान मेरे मन वचन काय से किसी को भी दुख ना हो, ऐसा मेरा वर्तन कर दो, ऐसा मेरा व्यवहार कर दो। ऐसा हम दादा से शक्ति मांगेंगे तो किसी के लिए भी हमको बुरा भाव नहीं होगा, किसी के लिए अभाव नहीं होगा, किसी के लिए तिरस्कार नहीं होगा, किसी के लिए चिढ़ नहीं होगी, किसी के लिए स्पर्धा नहीं होगी। हर एक संजोग में हमको दादा को अपने सर पे बिठाना है, दादा के नियमों को फॉलो करने का है, दादा क्या कहते हैं वो जीवन में हमको वो सबसे पहले, जैसे हमारे टीचर्स गुरु हैं वो सबसे हमारे बड़े में बड़े गुरु हमारे दादाजी हैं, उन्होंने भी हमको यही संस्कार दिए है ना। टीचर्स हमारे पढ़ाई में हमारे गुरु हैं, पर हमारे दादा भगवान तो हमारे पूरे व्यवहार के बड़े गुरु हैं, तो वो हमको यही सिखाते हैं कि किसी के लिए अभाव तिरस्कार नहीं करो, अपने मन वचन काय से सबको खुशी दो, अपना वर्तन और विनय ऐसा रखो ताकि सब लोग आपको वेलकम करे, आपको प्यार करे, आपके ऊपर कोई उंगली ना रखे, और सब लोग ऐसा बोले क्या तो इसका नेचर है, क्या तो इसका स्वभाव है, कितना अच्छा बच्चा है, ऐसा बोलना चाहिए, सबके मुंह से निकलना चाहिए, तभी हम दादा के परीक्षा में पास होंगे।
इसलिए हमेशा याद रखने का, जब भी मन खराब होता हो किसी के लिए, कभी किसी के लिए बुराई करने का सोचे, कभी किसी के लिए चिढ़ हो जावे, कभी किसी के लिए कुछ भी हो जावे, तो सबसे पहले उनके अंदर आप शुद्धात्मा का दृष्टि रखो। हर एक के अंदर दादा भगवान बैठे हुए, तो दादा भगवान भी बोलते थे। जब आप हर किसी के अंदर दादा भगवान देखते हो, फिर किसके दोष देखोगे? देख सकोगे? नहीं देखेंगे। हाँ, फिर न किसी के लिए अभाव होगा, न किसी के लिए चिढ़ होगी, न किसी के लिए अपने को द्विधा होगी, न किसी के लिए स्पर्धा होगी। सबके लिए दादा ने पूरा जीवन, जब छोटे थे तब से लेके ओब्लाइजिंग नेचर रखा। हाउ आई शुड हेल्प एवरीबडी, किस तरह से मैं सबको हेल्पफुल हूं मेरे लाइफ में, ऐसा दादा का ध्येय था। तो हमारा भी ध्येय वही होना चाहिए, जो दादा के कहने के मुताबिक चलेगा, दादा को फॉलो करेगा, तो एक दिन वो दादा भगवान ही बन जाएंगे। और हम सबको दादा भगवान बनना है कि नहीं बनना है? हाँ बनना है। बस तो फिर दादा का ध्येय रखो कि दादा जैसे जीवन में जी लिए, ऐसा ही मुझे जीना है, ऐसा ही मुझे व्यवहार करना है, ऐसा ही मुझे वर्तन करना है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। आयुष, आपका क्वेश्चन है? नहीं, मुझे बताना है कि मेरे भी एग्जाम चालू हो गए, तो आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अच्छे से लिखूं। खूब खूब आशीर्वाद। हम दादा को प्रार्थना करेंगे कि आप सक्सेस हो, बहुत अच्छी तरह से विथ फ्लाइंग कलर से बाहर आ जाओ और सबका नाम रोशन करो। यही सच्चिदानंद, आपने अच्छी तरह से पढ़ा है आपके? हाँ? अच्छी तरह से पढ़ा है ना आपने? हाँ। ओके, तो माँ दादा का हेल्प करेंगे। ओके ओके दीपक दादा। यही सच्चिदानंद, दादा ने ऐसा बताया है कि उन्होंने सारे विश्व को निर्दोष देखा, यानी अपनी दृष्टि को निर्दोष करके उन्होंने जगत को निर्दोष देखा। एक बात ऐसी है कि हमारी कुछ गलतियां ऐसी है जो हमने किसी को बताई नहीं हो, ऐसी हो सकती है? हाँ, हो सकती है। कोई जानता नहीं हो वो हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो उसकी डांट हमें पड़ी कि नहीं पड़ी? नहीं पड़ी। तो इस तरह से जब हम देखेंगे कि कई गलतियां हमारी है जिसकी हमने किसी को पता भी नहीं है, जिसकी हमें डांट भी नहीं पड़ी है, तो इस तरह से जब ऐसी कुछ कठोर भाषा, कुछ ऐसी डांट पड़ जाती है, तो अंदर से समझ लेना कि वो गलती जो मैंने बताई नहीं थी ना, उसके लिए ये डांट पड़ी है। तो अभी आपको अंदर से झगड़ा खत्म हो गया, अब उनसे बात करो, मेरी क्या गलती हो गई आपको इतनी कठोर भाषा बोलनी पड़ी? फिर वो बताएंगे, देखो ऐसा किया था आपने, वो बात सही है, तो मुझे और भी डांटो। समझ गए? लेकिन हम सिर्फ इरिटेट होके बात को छोड़ देते हैं या अपना मतलब निकालते हैं, तो वो सही नहीं है। तो आपके फ्रेंड के साथ आपका गैप बढ़ते जाएगा। समझ गए? तो ऐसा ओपननेस आपके तरफ से होगा ना, तो उनके तरफ से भी फिर अपने आप ओपननेस आएगी। इस तरह से जैसे दादा को किसी ने कहा कि आप चोर हो, तो दादा ने धीमे से कहा, मुझे क्यों चोर बताया आपने? बोले, पीछे आपके पीछे ने किसी ने लेबल लगाया है, चिपकाया है कागज और उसमें लिखा है मैं चोर हूं करके। तो दादा समझ गया कि मुझे चोर क्यों कहा। तो फिर उनको असर नहीं हो गई कि वो कागज के कारण वो बोल रहे हैं। समझ गए? हाँ। हमारी गलतियां तो होती है, लेकिन हमें पता नहीं होता है। तो जब कुछ ऐसा होता है तो धीमे से पूछ लेने का, गर्म हो हुए बगैर। ठीक है, जय सच्चिदानंद। ओके जी, अभी केशव दादा हम पद सुनेंगे। हाँ जी, कौन गाने वाला है? हाँ, मैं ही गाने वाली हूँ। ओके, बाद में मनिका। ओके, बोलिए मनिका। मुझे कहना था कि आपकी मोहब्बत गेम का इरिटेशन नहीं होने का, तो आज मैं कभी खुशी के साथ इरिटेट हुई थी, और मम्मी के साथ जब मैं इरिटेट हुई तो मैं मम्मी के साथ स्ट्रेटली सॉरी भी मांगी, और मैंने उन्हें हग भी किया, मम्मी मेरा भाव बिगड़ गया इसलिए सॉरी मैं कर दिया। एक बार इरिटेट हुई, बाद में भी मैंने कर लिया, सॉरी कह दिया, बट खुशी के साथ नहीं कहा, मुझे ऐसा होने लगा मैं बड़ी हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। ये
ये फॉलो करो ये ट्रैकिंग ओके। छोटे छोटे को अभी हग नहीं करना चाहिए, बड़ों को ही हग करने का, ऐसा बताया। देखो एक एक बात कैसी है मेरी समझ में, मैं ऐसा रखता था और अभी तो बड़े अच्छे से रखता हूँ। मेरे से जब कोई बड़े है, कोई भी बड़े है, जब केशवान जी मेरे से बड़े है, तो मैं कैसी दृष्टि रखता हूँ कि मेरे डैडी के समान है। मेरे से बड़े कोई बहन है तो मेरी मम्मी के समान है। मेरे से छोटे है तो वो मेरे बच्चे है करके मैं देखता हूँ, तो कभी प्रॉब्लम होता ही नहीं है। तो बच्चों को हक करने में क्या प्रॉब्लम है आपको, आप समझ गए? ये बात है दृष्टि, जैसे दादा भगवान ने बताया ना। केशवान जी आप इसके बारे में थोड़ा बताइएगा, जो दादा भगवान ने कहा कि हमने हमारी दृष्टि को निर्मल निर्दोष करके सारे विश्व को निर्दोष देखा, इसमें बहुत बड़ी बात है, थोड़ा बताएं तो अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। तो दादाजी क्या करते थे कि हम सपोज दादाजी के सामने आके बैठते थे तो हमारे में बहुत मिस्टेक्स हुआ करती थी, हम कभी कभी भूले भी करके आते थे, पर मैंने देखा कि हमारे लाइफ में कभी भी दादा ने हमको इस तरह से हमारे सामने ऐसा प्रस्ताव नहीं डाला ताकि हम डिप्रेशन हो जाए या हम नीचे हो गिर जाए या हमको ऐसा लगे कि ये मैंने क्या कर दिया। दादा एलिवेट करते थे हमको इस तरह से, एलिवेट और इतना प्रेम स्वरूप से हमको ऊपर लेते थे कि हमको जो भी हमारी मिस्टेक्स थी हमको पकड़ में आ जाती थी, हमको पता चल जाता था अच्छा मेरी इतनी मिस्टेक होने के बावजूद भी दादा मुझे इतना प्यार करते, इतना मुझे वेलकम करते, उतना प्यार से मुझे समझाते हैं। तो फिर हम अपने घर में जाके हम अपने अपने भाइयों के साथ जो हमसे जो छोटे थे उनको जाके हम प्रेम स्वरूप बन जाते थे, उनको हग करते थे, उनको सामने से बड़े होते हुए भी हम बोलते थे मेरे से भूल हो गई मुझे माफ कर दो, तो फिर छोटे हमको क्या बोलते थे, नहीं नहीं आपकी भूल नहीं हुई ये तो मेरे से भूल हो गई। देखो जब बड़े होके हम जब छोटों के पास जाते हैं कि मेरी भूल हो गई मुझे माफ कर दो, तो वो छोटे बोलते कि नहीं नहीं दीदी तुम्हारी भूल नहीं थी ये तो मेरी भूल थी। तो हम जब उनको प्यार करते हैं उनके दोष नहीं देखते हैं तो उनको खुद को रियलाइज होता है कि ये मेरी भूल थी। तो जब हमारे हमसे छोटे जो हमारे से कम उम्र में है या हमसे छोटे हैं उनको तो हमको ज्यादा अंडरस्टैंड करना चाहिए क्योंकि अभी तो वो बड़े हो रहे हैं, आप तो ऑलरेडी इतने बड़े हो चुके हो, आपकी बुद्धि डेवलपमेंट हो चुकी है, आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई है, पर वो धीरे धीरे अभी डेवलप हो रहे हैं। तो उनको उनको आपको प्रेम स्वरूप बनाने का, जैसे जैसे दादाजी ने हमको प्रेम स्वरूप बनाया, दादाजी ने हमको हमेशा वेलकम किया, हमको प्यार दिया, वैसे ही हमको सीखना है। और इसी वजह से क्या होता था कि जो हमारी मिस्टेक्स भी होती थी तो दादा हमको मिस्टेक्स इस तरह से खुला करके नहीं बताते थे, वो इस तरह से समझाते थे ताकि हमारे से लाइफ में कभी मिस्टेक ही नहीं हो। तो इसकी वजह से क्या होता था कि हमको दादा के लिए बहुत अट्रैक्शन होता था और जैसे ही अट्रैक्शन बढ़ता जाता था तो हम दादाजी को और फॉलो करते थे क्योंकि दादाजी के साथ दादाजी क्या बन गए, प्रेम स्वरूप बन गए। तो इसी तरह आप सब लोग जब प्रेम स्वरूप बनेंगे तो छोटे आपको और प्यार करेंगे और आपके कहने के मुताबिक चलेंगे, आपका वचनबद्ध खड़ा होगा, आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा क्योंकि आपकी प्योरिटी है कि मेरे से जो छोटे हैं वो मेरे से बहुत ही अच्छे हैं, वो बड़े प्यारे हैं, उनके अंदर निर्दोष दृष्टि है। तो ऐसा भाव रखने से जैसे दादा ने हमारे साथ भाव रखा तो हमारे को दादा के लिए ट्रिमेंडियस अट्रैक्शन हुआ, ऐसे ही छोटों को आपके लिए ट्रिमेंडियस अट्रैक्शन होगा, आपके लिए रिस्पेक्ट होगी, आपके लिए विनय होगा। पर आप उनको ऐसा खींच डालोगे वो तो मेरे से छोटा है इसलिए उसका आप इतना आदर सत्कार नहीं करोगे या सम्मान नहीं करोगे, तो उसके अंदर भी तो भगवान बैठे हैं, उनको भी तो पता चलता है ना कि मेरे दीदी ने ऐसा किया, कि उनको नहीं पता चलता है, उनके अंदर भी भगवान है, उनको भी एक एक चीज, आप जो उठते हो जिस तरह से बात करते हो जिस तरह से आप उनके साथ बिहेव करते हो उनको सब कुछ पता चलता है क्योंकि जैसी आत्मा आपके अंदर बैठी है वैसी ही आत्मा उनके अंदर है, जैसे ही आपके अंदर दादा भगवान बैठे वैसे ही दादा भगवान उनके अंदर बैठा है, तो उनको कैसे पता नहीं चलेगा कि मेरी दीदी मेरे से ऐसा बात करती है, पता चलेगा ना? हाँ चलेगा। तो हमेशा वो लक्ष्य रखेंगे ना तो बहुत अच्छा जीवन होगा।
और हर किसी को एक दूसरे के लिए बहुत सम्मान रहेगा, हर किसी के लिए एक दूसरे के लिए बहुत रिस्पेक्ट रहेगी, क्योंकि अपनी भूल एक्सेप्ट करने में कोई छोटा नहीं हो जाता, जो अपनी भूल एक्सेप्ट करता है वो ही सबसे बड़ा होता है। ठीक है ठीक है ओके मोनिका दीदी ठीक है। हाँ वो करिश्मा पद गा सकती है। क्या वो करिश्मा पद गा सकती है? अब तैयार है आज? हाँ तैयार है। ओके अकेली गाएगी? हाँ गाएगी। ओके तो गाओ करिश्मा। हाँ जैसे हे जीवनो दादा हे प्रगटायो हे जीवनो अम्बानताये हे जीवनो दादा हे प्रगटायो हे जीवनो अम्बानताये जीने प्रकाशमा आत्मा कहिने कोटवने करना बा प्रकाशमा आत्मा थईने कोटवनी करनावा मानुषी जीने करना नहींने कचरो का नहीं स्थान पड़ोसी जीने करना नहींने कचरो का नहीं स्थान जीदी बड़ो हे जीवड़ो दस्ता नहीं दस्तायो हे जीवड़ो मर तो मरना नहीं हे जीवड़ो दस्ता नहीं दस्तायो हे जीवड़ो मर तो मरना नहीं रे। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड दीदी आप तो बहुत अच्छा गाती है, आपका वॉइस भी अच्छा है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। ये आपको गुजराती कैसे आप कर पढ़ सकती है? नहीं मैं हर रोज गाती हूँ पर। ओके वेरी गुड। आपने क्या गाया मालूम है? नहीं ओके कश्यप दादा बातें करो। हाँ बहुत अच्छा पद बताया दादा ने। फिर दादा कविराज क्या बोलना चाहते हैं कि दादा भगवान ने हमारे अंदर दीप प्रगटाया है, अंदर हमारे अंदर दीप प्रगटाया है, वो कैसा प्रगटाया है कि अमर हो जाए, ऐसा अमर हो जाए, ऐसा दादा ने हमारे अंदर सबके अंदर आत्मा का अनुभव करवाया है और ऐसा दादाजी का दिया प्रगटाया है जो एक दिन हमको अमर पद में लेके जाएगा और ऐसा प्रकाश में आत्मा आत्मा होके ऐसी ऐसी एक एडजस्टमेंट बनाई है कि जिसकी वजह से हमारे अंदर जो आत्मा का प्रकाश प्रगटाव्या है उसकी वजह से क्या रिजल्ट आई है कि हम आपस में ये हमारा फाइल नंबर एक को एक हमारा फर्स्ट नेबरर की तरह देख सकते हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं है। जैसे हमारा पड़ोसी हो तो पड़ोसी को अगर हमारा नेबरर हो उसको कुछ भी तकलीफ हो या उसको पेट में दुखता हो तो क्या आपको दुखता है? कभी पड़ोसी के घर में उसको कभी भूख लगी हो या उसको तकलीफ हुई हो या उसको घर में मार पड़ी हो तो आपको कुछ असर होता है आपके नेबर को हो? तो दादाजी क्या बोलते हैं कविराज ने क्या बोलता है कि जैसे घर में एक पड़ोसी के तेम रह के मतलब पार जो नेबरर की तरह जो ने फर्स्ट नेबरर की तरह रह के वो सब हमारा जो हमारे आसपास के जो कचरा है जो हमारे कषाय है जो हमारी भूले है वो सब निकल जाती है। ऐसा दादा ने हमको समझ दी है कविराज बोलते हैं कि ऐसा दादा ने कैसा हमारे अंदर दिया प्रकाश किया है जिसकी वजह से हम किसी के भूले नहीं देखते हैं, किसी के घर में किसी को दुख नहीं देते हैं और हमारे अंदर में जो मिस्टेक्स है वो ऑटोमेटिक निकलती जाती है। ऐसा दिया प्रकाश किया है हम सबके अंदर जिसकी वजह से आप देखोगे कि हर कोई बच्चे के अंदर इतना प्योरिटी इतना ट्रांसपेरेंसी इतनी इतनी अच्छी बातें डेवलप हो रही है। ऐसा दादा ने हम सब के अंदर दिया का प्रकाशमान कर दिया है जिसकी वजह से हम सब लोग धीरे 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 चेंज होते जा रहे हैं। तो हमको दादाजी का बहुत बहुत शुक्रिया, उसका हम ऋण चुका नहीं सकते जो दादाजी ने हम सबके ऊपर इतनी कृपा बरसाई है,
इतने अच्छे हमको संस्कार दिए और ऐसी हमको, अभी आपने वीडियो में देखा ना किस तरह से दादा एक एक बच्चे को आशीर्वाद दे रहे थे, एक एक बच्चे को बुला के वो फूल दे के उसको आशीर्वाद देते थे ताकि हम सब दादा भगवान की तरह बने। तो ऐसा दादा सूक्ष्म रीते आज भी हम हाजिर होके हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उस आशीर्वाद में हम दादा से यही मांगे कि जो दादाजी आपने हमारे अंदर दिया का प्रकाशमान किया है वो ऐसा फुल प्रकाश करो ताकि हम सबका जीवन बहुत ही अच्छा हो जाए, हम सबको खुशी देवे, हम सबको प्यार देवे, आप जैसे प्रेम स्वरूप बने ऐसा हम सबके लिए प्रेम स्वरूप की मिसाल बने, ऐसी दादा भगवान आप हमको आशीर्वाद दे। ठीक है करिश्मा जी, बहुत अच्छा, अभी कॉन्फिडेंस आ गया। हाँ और आपको तो अच्छा गाते, वॉइस भी अच्छा है तो ऐसे गाने का। ओके हाँ ओके बालको, जय सच्चिदान, कल हम कल लिए टीचर का जरा सोचना और जो जो बुरा किया है वो जरा प्रतिक्रम कर देने का। ओका जय सच्चिदान, जय सच्चिदान। Thank you.